नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रीजनिंग के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे एक ही वीडियो में। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जहां से आपसे या तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 15 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 10 नंबर तक दिया जा सकता है आपके बिहार स्टेट कोऑपरेटिव एग्जाम में। तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखिएगा और काफ़ी जल्दी से हम काफ़ी आसानी से इस टॉपिक को बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में राइट और राइट लिखा होगा या फिर लेफ्ट लेफ्ट लिखा होगा तो आपको क्या करना, माइनस करना है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन में अगर राइट लेफ्ट राइट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, आपको एक सीरीज दिया होगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनको आप बनाना है, आपको बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिएगा। पहला क्वेश्चन में एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, मैं 3 चीज बताऊंगा, एक अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज। अब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ अल्फाबेट आपको दिख रहे होंगे, कुछ नंबर दिख रहे होंगे और कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, इनपे आधारित 5 प्रश्न है, 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। मतलब आपको क्या बोला गया पहले क्वेश्चन में, कि ऐसे कितने लेटर है जिसके बाद नंबर आते हैं, ऐसे कितने लेटर है जिसके बाद नंबर आते हैं। तो आप सीरीज में देखिए, एम के बाद 7 आता है, ध्यान से देखिए, एम के बाद 7 मतलब एम क्या हो गया, एम में लेटर हो गया और एन क्या, 7 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो लेटर फिर नंबर। उसके बाद अगर आप देखिएगा y3 y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका लेटर हो जाएगा फिर नंबर हो जाएगा, y3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, h5 हो जाएगा, ठीक है ना। h5 देखिए, h5 लास्ट में लिखा हुआ है, तो h5, तो ऐसे कितने मिल गए आपको, ऐसे 3 मिल गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। पहले खोजना है फिर काउंट करके आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय ए नंबर। तो आपको सिंबल्स निकालना है जो प्रेसीडेड बाय ए नंबर है, मतलब है ऐसे ऐसे नंबर, पहले नंबर आना चाहिए फिर सिंबल्स आना चाहिए, तो ऐसा पेयर आप खोजिए और काउंट करके लिख दीजिए। तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, सबसे पहले देखेंगे 7 के बाद क्या लिखा हुआ है, ये वाला साइन, समेशन का साइन दिया हुआ है, ठीक है, 7 समेशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखिएगा 2 इक्वल टू, देखिएगा 2 के बाद इक्वल टू का साइन दिया है, तो इक्वल टू भी एक सिंबल होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 9 के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉपीराइट, ऐसे लिखा हुआ है, 9 कॉपीराइट, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे सीरीज कितने हो जाएंगे, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा, इफ ऑल द सिंबल आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट। पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम हटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द सिंबल आर रिलेटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब दोनों लेफ्ट निकालना है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है और 13 फ्रॉम लेफ्ट है, ऐसे लिखा हुआ है कि 17 फ्रॉम लेफ्ट है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जब घटाएंगे तो 13 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है, ये आप लोग को पता चल गया।
अब यहाँ लेफ्ट और लेफ्ट था तो हमने घटा दिया, अब 13 फ्रॉम लेफ्ट निकालना है। कब? इफ ऑल द सिंबल आर डिलीटेड फ्रॉम दी अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट दिया है ना उसमें से सिंबल को हटा दीजिए और उसके बाद काउंट कीजिए 13 फ्रॉम द लेफ्ट। तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट क्या आ जाएगा? ई। ठीक है, आप काउंट करके देखिएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर 78 का संबंध है पी क्वेश्चन मार्क 6 के साथ है, क्वेश्चन मार्क एन का संबंध है टी 32 के साथ है, तो आपको निकालना है कि 2E का संबंध किसके साथ है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 78 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 78 देखिए 7, यहाँ पे ध्यान से दीजिए देखिएगा, इस सीरीज को मैं लिखता हूँ 7 8 ऐसे मैंने लिखा। उसके बाद 78 का संबंध है पी, 8 के बाद L लिखा हुआ है, 8 के बाद L लिखा हुआ है, L के बाद P लिखा हुआ है, ठीक है, P के बाद एट द रेट लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और उसके बाद 6 लिखा हुआ है। तो देखिए ये और ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर ये 7 और 8, इनको इनको मतलब इसके बीच में एक गैप होना चाहिए, फिर एक अक्षर का गैप होगा, फिर पी क्वेश्चन मार्क 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 78 के बाद एक गैप होगा और 7 और 8 में भी एक गैप है, तो इसी पैटर्न में आपको लिखना है। तो हम लोगों को निकालना है 2E का संबंध किसके साथ है, तो सीरीज में आप देखिएगा तो 2E का संबंध किसके साथ होगा, तो E के बाद एक गैप, E के बाद एक गैप होगा तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद एक गैप होगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद एक गैप के बाद कॉपीराइट लिखा हुआ है, कॉपीराइट के बाद क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, कॉपीराइट के बाद क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं कि 4 कॉपीराइट जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 कॉपीराइट जी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इफ ऑल द नंबर आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, मतलब नंबर को डिलीट कर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th टू द राइट 13 फ्रॉम द राइट, दोनों राइट है मतलब घटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन मैंने बोल दिया, क्या लिखा हुआ है, 5th टू द राइट 13 फ्रॉम द राइट, 5th टू द राइट 13 फ्रॉम द राइट, नंबर को डिलीट करेंगे 8 फ्रॉम द राइट, नंबर को डिलीट करके क्या करना है, काउंट करके लिख देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा टी, आप काउंट करके लिखिएगा, राइट से राइट साइड ये हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है ना, तो ये आप लोग जानते होंगे, तो 8 फ्रॉम द राइट काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, नंबर को डिलीट करके, नंबर को काउंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो ये 5 क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। आगे देखिएगा, आगे हम चेंज करते हैं टाइप को और क्वेश्चन को भी चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को भी हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया नंबर सीरीज, इससे पहले था अल्फा न्यूमेरिकल सिम्बॉलिक सीरीज था, अब क्वेश्चन नंबर 6 से होगा नंबर सीरीज, तो आपको ध्यान देना है और ध्यान से बनाना भी है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 8 4 5 1 5 1 2 437 385 296, एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ इच नंबर नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने नंबर जो होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे अगर 2 ऐड करते हैं पहले डिजिट में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सभी 3 से डिविजिबल कब होगा, जब संख्याओं का योगफल 3 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 6 + 8 + 4 ऐसे ऐड करके देखिए सभी अंक को, तो ये हो जाएगा 14 14 4 18 हो जाएगा, 18 में 2 ऐड कीजिएगा 20, अब ये जो 20 होता है ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो पहला 684 नहीं होगा। इसी तरह 512 को चेक कीजिए, तो 5 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 11 हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं बनेगा यहाँ से। उसके बाद अगर हम लोग चेक करेंगे 437 को, तो 4 × 3 = 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 14 हो जाएगा, 14 × 2 = 16 हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, यहाँ 10 होगा, 2 ऐड करना है ना हम लोग को, तो यहाँ 10 होगा, उससे काम नहीं बनेगा।
फिर 385 को ऐड कीजिए, तो 8 3 11 5 16 प्लस में 2 18, मतलब 385 जो है ना वो सही है, 385 जो है ना वो सही है। इसमें अगर पहले संख्या में 2 ऐड कीजिएगा तो ये कुल मिला के 18 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। 296 देखिए, 11 2 9 11 6 17 2 19, तो ये नहीं होगा, केवल 385 आपका सही आंसर होगा। अगर इसके पहले अंक में 2 ऐड करते हैं, मतलब 3 में 2 ऐड करेंगे, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। इस चीज को हम हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करना है, विद इन द नंबर, नंबर के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखिएगा, नंबर के साथ इनको क्या करना है हम लोग को, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 686 को हम लोग करेंगे, 600 कितना लिखा है, 684 लिखा हुआ है, इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज होके, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब जो घटते क्रम में लिखना है, सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम, ऐसे लिखना है। तो अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, यहाँ पहला अंक केवल लिखिए 8, उसके बाद दूसरे नंबर को 512 को चेंज करेंगे तो पहला अंक उसका कितना आ जाएगा, 5, सबसे लार्जेस्ट लिखिए कि उसमें कौन सा सबसे ज्यादा है, 437 में सबसे ज्यादा है 7, और उसके बाद 385 में सबसे ज्यादा है 8, देखिए 8 दो दो बार आ गया, उसके बाद 296 में सबसे ज्यादा है 9, तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 296 से बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 296 ऑप्शन में खोजिएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर किससे बनेगा, 296 से बनेगा, क्योंकि इसके पास 9 है, अगर आप बनाइएगा हाईएस्ट नंबर तो 962 बन जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, केवल एक एक देख के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, चाहे तो इतना भी लिखेंगे, इसमें टाइम आपको लगेगा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब देखिएगा, सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड लोएस्ट नंबर हो जाएगा 385, इसका दूसरा अंक लेने के लिए बोला गया, तो इसका दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद बोला गया कि, उसके बाद क्या बोला गया है, डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर क्या है, 684, इसका तीसरा अंक क्या है, 4, इन दोनों को भागा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 से 2 बार में कटेगा, मतलब आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकेंड हाईएस्ट, आपको बताना है कि सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, जो हाईएस्ट है केवल उसी को देखिए, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा सेकेंड हाईएस्ट है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा है 684, सबसे ज्यादा है 684, और सभी के साथ एक ही ऑपरेशन करना है, तो जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट आपको बताना है, तो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा हो गया, 512, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा हो गया, 512। तो आपसे यही पूछा गया ना कि सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब 512 ही क्या होगा, सेकेंड हाईएस्ट है, जो सेकेंड हाईएस्ट है वही सेकेंड हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि सबके साथ एक ही ऑपरेशन हम लोग को करना है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमने बनाया, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं, इफ इच नंबर द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, पहला और दूसरा अंक को रिप्लेस किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज हाईएस्ट। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, मान लीजिए कि 684 है, तो इसमें कहा जा रहा है ना कि 8 के जगह पे 6 आ जाएगा, 6 के जगह पे 8, मतलब ये नंबर जो चेंज हो जाएगा, तो ये नंबर चेंज होके क्या बन जाएगा,
864 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बाकी अंक से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या निकालना, हाईएस्ट निकालना है, तो हम लोग को केवल पहले अंक से मतलब है। तो यहाँ पे पहला अंक क्या हो जाएगा, रिप्लेस होके 8 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, चौथे में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, और पांचवें में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, पांचवें में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब 9 कहाँ से आया, 296 से आया, 9 कहाँ से आया, 296, मतलब कौन सा हाईएस्ट हो जाएगा, 296 से आपको हाईएस्ट अंक मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 9 हमने बना लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब दोस्तों हम लोग अगले टाइप को देखते हैं, ये वाला जो टाइप पे जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने खत्म कर लिया, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन खत्म किया होगा, गलती से हमने 9 तक लिखा हुआ है, कहीं पे नंबरिंग गलत हुआ होगा क्वेश्चन नंबर का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं और देखिएगा, ये अभी नंबर सीरीज था, एक और नंबर सीरीज आ गया, एक और टाइप का, ऐसा भी सीरीज आपसे पूछा जा सकता है, इसके नीचे इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा ये सीरीज ध्यान से देख लीजिएगा। इस पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर इन द न्यूमेरिक सीरीज, कितने ऑड नंबर है इस न्यूमेरिक सीरीज में, आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय ए नंबर व्हिच इज ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि स्क्वायर होना चाहिए क्या ऑड नंबर के पहले, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, होल नंबर मतलब होल नंबर 0 भी होगा ना तो उसको भी परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप खोजेंगे तो 9 और 3 आपको सीरीज में मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 और 3 मिलेगा, 9 और 3 के बाद 4 और 5 मिलेगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद देखिएगा 9 और 5 फिर से लिखा हुआ है, 9 और 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 और 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, टोटल कितना हो गया, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कितना आसान है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 11 हमने बना लिया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज विच नंबर विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट। तो मैंने बताया था 8 टू द लेफ्ट बोला गया है, -11 टू द लेफ्ट बोला गया, तो दोनों को घटा देंगे, मतलब 3rd फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा। और हम लोग को क्या करना है कि ऑल द ऑड नंबर ड्रॉप कर देंगे तब काउंट करेंगे 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कितना आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर में से एक घटाइए और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 16th फ्रॉम द राइट एंड। तो 16 फ्रॉम द राइट एंड आपको निकालना है, 16 फ्रॉम द राइट एंड आपको निकालना है, तो आप पे काउंट कर लीजिएगा पहले 16 फ्रॉम द राइट एंड, और वहां पे आपको 2 देखने को मिलेगा, तो ये इवन नंबर हो गया, इवन नंबर में से 2 को घटाना है तो 0 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो देख सकते हैं कि ये भी दोस्तों क्वेश्चन कितना आसान है, कितने आसानी से हमने बनाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, देखिएगा इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 16th पहला और 16 सेकेंड और 17th और ऐसे ही करके आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो आपको क्या बताना है लास्ट में, विच नंबर विल बी 7 टू द राइट 19 फ्रॉम द राइट एंड, 7 टू द राइट और 19 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब ये क्या हो जाएगा, 12 फ्रॉम द राइट एंड। पहले तो इस सीरीज को फिर से लिखना होगा आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं बनाइएगा आप, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन क्या करना होगा, फिर से लिखना होगा, जैसा हम लिखते हैं यहाँ पूरा काउंट करना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा, पहले को 16 से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट वाला को देखिए और 16 नंबर ऐसे काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, और जो 16वें नंबर पे जो नंबर आएगा ना और जो पहले नंबर पे जो नंबर आएगा उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, रिप्लेस लिखेंगे, तो 16वां वाला पहले आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें इस सीरीज में टोटल कितने नंबर होंगे, 30 नंबर होंगे, ठीक है ना, इस सीरीज में टोटल कितने नंबर होंगे, 30 होंगे। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा मुझे लिखना होगा दोस्तों, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसको लिखने में। आपको क्या करना है, आधा पार्ट को पहले लिखना है, जो सेकंड पार्ट है वो पहले आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट इस साइड आ जाएगा, अब उसके बाद 12 फ्रॉम द राइट यहाँ से काउंट करके लिख दीजिएगा, 12 फ्रॉम द राइट है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है देखिएगा। हाउ मेनी टोटल इवन नंबर विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय होल क्यूब और इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल क्यूब और होल स्क्वायर से प्रेसीड होना चाहिए, मतलब ए क्यूब इवन नंबर और क्या बोला गया है इवन नंबर ए स्क्वायर से फॉलोड होना चाहिए कि प्रेसीड होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है प्रेसीड लिखा हुआ है शायद, दोनों कंडीशन में क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर इन द अबव सीरीज, दोनों में प्रेसीड ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों में प्रेसीड लिखा हुआ है, या तो होल स्क्वायर से होना चाहिए या फिर होल क्यूब से होना चाहिए। तो होल क्यूब वाला अगर हम लोग देखें तो आठ और दो, आठ और दो पहला बनेगा, आठ जो होता है दो का परफेक्ट क्यूब होता है, उसके बाद फिर देखेंगे तो आठ और दो, दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब होल स्क्वायर से हमने पहले वाले कंडीशन में लिखे थे मोर देन कितने थे, मोर देन कितना था, ये तीन था शायद, पहला क्वेश्चन इसी पे दिया था ना, होल स्क्वायर होना चाहिए था, ऑड नंबर के बारे में दिया था, यहाँ अब हमें देखना होगा अगला। तो आप लोग देखिए कि पहले क्या आना चाहिए, होल स्क्वायर आना चाहिए फिर इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर देखिएगा सीरीज में, इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर, तो दो चार मतलब चार दो 42 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन में 42 लिखा हुआ है, चार दो फिर इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, नौ और आठ ये भी लिखा हुआ है, नौ और आठ लिखा हुआ है, ठीक है इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, ठीक है टोटल यहाँ पे काउंट कीजिएगा 205 आएगा, ठीक है एक और मिलेगा 0 0 0 0 0 6 0 6 एक ये मिल जाएगा, तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमने कितना आसानी से नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन भी बना लिया, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। चलिए अब टाइप को हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पर टाइप को हम लोग चेंज करते हैं और ये आ गया अल्फाबेट सीरीज। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा एक नया सीरीज आ गया जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, और ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिएगा एक वर्ड का सीरीज बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया कि इफ द गिवन वर्ड अरेंज इन द ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज किया गया एज दे अपीयर इन डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में जैसे वर्ड को लिखा रहता है वैसे इनको अरेंज कीजिए लेफ्ट से राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो सबसे पहले सी वाला आएगा जो सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या आएगा एन से स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद आर से जो स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे, एस से स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे, तो काउंट करेंगे लेफ्ट से चौथा 1 2 3 4, तो एस जो हो जाएगा वो चौथा पे हो जाएगा, मतलब आपका एस से क्या लिखा हुआ सैड लिखा हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सैड हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, हम क्वेश्चन को यहाँ चेंज करते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड फ्रॉम द राइट एंड कौन सा है आर ए टी रेड, अब इसका क्या लेना है दूसरा अक्षर लेना है मतलब ए ले लिए, उसके बाद बोला गया कि एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन है एस ए डी, इस साइड से हम लोग का क्या होता है इस साइड से लेफ्ट होता है इस साइड से हम लोग का राइट होता है, तो एस ए डी इसका हम लोग को क्या लेना है थर्ड लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा डी। अब पूछा गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच में ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो लिखेंगे ए बी सी डी, कितने अक्षर हो गए दो होते हैं, तो आपका देखिए दो कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन था और काफी आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ इफ द थर्ड अल्फाबेट इन इंग्लिश इफ द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल बी विदाउट वॉवल, ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे जिनमें कोई वॉवल नहीं होगा, तो देखिए थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड हम लोग को चेंज करना है ना, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड हम लोग को क्या करना है चेंज करना है,
ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड अल्फाबेट चेंज करना है, तो W से पहले क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, W से पहले V आ जाएगा, तो इसके पास वॉवेल हो जाएगा, फिर D से पहले क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है, D से पहले C आ जाएगा, तो इसके पास भी क्या है ना, वॉवेल है, फिर F के पहले क्या हो जाएगा, E आ जाएगा, तो उसके पास भी वॉवेल होगा, उसके बाद R A T पहले से वॉवेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट वाले के पास भी पहला CAT तो ए वॉवल है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नन, ऐसे एक भी अक्षर नहीं होंगे जिसमें वॉवल नहीं होगा, सभी में पहले से वॉवल है, और यही आंसर हो जाएगा नन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट ऑफ इच ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू अरेंजमेंट। तो देखिए, नाव है, नाव को अगर आप मतलब क्या कीजिएगा, नाव को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नाव को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, मतलब एन को डब्ल्यू से इंटरचेंज करेंगे तो डब्ल्यू ओ एन बन जाएगा वन, वन मतलब क्या होता है, जीत होता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि इफ इच ऑफ द गिवन वर्ड इच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस, मतलब कॉन्सोनेंट में क्या करना है, माइनस करना है, कॉन्सोनेंट को क्या करना, माइनस करना है, और वॉवेल को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, एक ज्यादा लिखना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपसे बाद में क्या पूछा गया कि देन हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल बी एटलीस्ट वन वॉवल होना चाहिए, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें कम से कम एक वॉवल होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको चेंज करके देख लीजिए, मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, 18-19 को हटा देता हूँ, इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ 20 का, तो ऐसा जब काम कीजिएगा तो MPV बन जाएगा पहला, उसके बाद RBC बन जाएगा, उसके बाद VZE बन जाएगा, उसके बाद देखिएगा QZS बन जाएगा, और उसके बाद देखेंगे BZS बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड फॉर्म विल एटलीस्ट वन वॉवल, कम से कम ऐसे कितने वर्ड है जिनके पास एक वॉवल है कम से कम, तो यहाँ पे देखिएगा ये इसके पास एक वॉवल है, बाकी किसी के पास भी वॉवल नहीं है, तो ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, जितने भी टाइप के सीरीज होते थे वो सभी हमने इस वीडियो में देख लिया। तो दोस्तों, इस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सभी सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने देख लिया, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, आपने वीडियो आज तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।